बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक नॉलेज ऑफ आईटी का लेक्चर नंबर 4 कवर करेंगे और इसमें हम एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि कुछ ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जहाँ पे सिर्फ एमएस ऑफिस की ज़रूरत होती है सीखने की या उसकी स्किल की, और कुछ कोर्सेज या ऐसी जगह होती हैं जॉब्स वगैरह जहाँ पे रिक्वायरमेंट बेसिक कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। तो अब अगर आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में नहीं पता और एमएस ऑफिस आप कैसे सीख सकते हैं, और बेसिक कंप्यूटर अगर आपको आ जाए और ऑफिस ना आता हो तो फिर भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप उसको एज ए स्किल यूज़ नहीं कर रहे। तो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हैं, एक तरतीब के साथ चीज़ें सीखी ही काम आती हैं। कंप्लीट कोर्स हो तो ही लर्निंग आपकी अच्छी हो सकती है। तो इसलिए ये पोर्शन जो थ्योरी वाला है, भले आपका टेस्ट हार्डवेयर का है, सॉफ्टवेयर के मुतालिक है, एमएस ऑफिस के मुतालिक है, या बेसिक कंप्यूटर की जो नॉलेज के मुतालिक है, तो आप को एक चीज़ की अगर स्किल रिक्वायर्ड है तो दूसरे पे भी कोई ना कोई सवाल आ सकता है। तो बेहतर होता है कि जिस चीज़ के बारे में आप सीखें तो मुकम्मल सीखें, इसलिए ये चीज़ें सीखना ज़रूरी हैं। तो एप्लीकेशन या यूज़ ऑफ़ कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो आज हम देखते हैं कि कहीं पे भी जाएं, एजुकेशन में जाएं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे कितने डिस्टेंस पे, पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाहर के कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, वो हमसे सीख रहे हैं। अब एजुकेशन में कंप्यूटर कितना आ गया, मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, आप कंप्यूटर किसी भी फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, सेलफ़ोन की शक्ल में या लैपटॉप, पीडीए, और इसके अलावा कंप्यूटर डेस्कटॉप, तो यूज़ हो रहे हैं एजुकेशन में हर जगह पे है। और बाकी डिपार्टमेंट्स एजुकेशन की जो देख लें, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, रिजल्ट मेंटेनेंस, हर जगह पे, इनको डिटेल में हम पढ़ते हैं। बिजनेस में देखें हर जगह पे है, हॉस्पिटल में जाएँ तो हर चीज़ कंप्यूटर पे आ चुकी है, बैंकिंग सेक्टर में जाएं तो वैसे ही हर एक के पास कंप्यूटर पड़ा होता है, और इसके अलावा गवर्नमेंट के ऑफिसेज में जाएं, घर में जाएं, मार्केटिंग, ये सारी जगह पे, और स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या क्या काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, पहले किस तरीके से अपने होमवर्क करते थे, आज असाइनमेंट बनाने का तरीकाकार कैसे बदल चुका है। तो ये सारे का सारा यूज़ ऑफ कंप्यूटर के ज़रिए से ही चेंज हुई है। आज से हम 20 साल पहले चले जाएँ, 15 साल पहले चले जाएँ, तो हर चीज़ में एक मुख्तलिफ तरीक़ाकार था, आज हम जाएँ तो वो तरीक़ाकार बदल चुके हैं। तो इनको हमने डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन में बिज़नेस का यूज़। तो बिज़नेस में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, या बिज़नेस को किस तरीके से कंप्यूटर ने आके आसान कर दिया है। एक कंप्यूटर हैज़ ए हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, डिलीजेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और Versatility which has made it an integrated part in all parts of organizations। अगर हम एक टेक्सटाइल की बात करते हैं तो टेक्सटाइल की आपके उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई एक कंपनी ले लें, एक फर्म ले लें जो कपड़ा बना रही, लेट्स सपोज कपड़ा भी आप ये समझें कि कॉटन के कपड़े बना रही, तो अब उसने एक स्पेसिफिक फील्ड में ऑपरेट करना है, उसको रॉ मटेरियल चाहिए, उसको लोग चाहिए जिनकी तनख्वाहें बन सकें, और रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से परचेज़ करना है, कितनी क्वांटिटी परचेज़ करेंगे तो कितनी प्राइस होगी, उनके पास पूरा एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे डाटा एंट्री हो रही है, जहाँ पे स्टॉक चार्ज पे लिया जा रहा है, प्रोडक्शन हो जाती है तो उसकी सेल हो रही है, तो उसके साथ जितनी भी डिपार्टमेंट हैं, मार्केटिंग की है, सेल्स डिपार्टमेंट है, इसके अलावा रिसीविंग है या स्टोर्स हैं, तो जितने भी उनके पास आ रहे हैं हर एक के पास कंप्यूटर कनेक्टेड है। और किसी भी वक्त आपको अगर अपनी पोजीशन देखनी है रॉ मटेरियल की, मुख्तलिफ फार्म्स की, तो आप हर एक की क्वांटिटी देख सकते हैं, आप जो फ्यूचर में आगे चल के प्लान कर रहे हैं कि आपने कितनी प्रोडक्शन देनी है, आपके पास कितनी चीज़ कितनी क्वान्टिटी में होनी चाहिए, तो आप उसको इस्टीमेट भी कर सकते हैं, फोर्सी भी कर सकते हैं। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वगैरह, किसको कब ड्यू आपने पे करने हैं, कितनी पेमेंट हो चुकी है, ये सारे का सारा ऑर्गेनाइजेशन जो बिज़नेस की है वो मैनेज कर रहे। तो कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्या, पेरोल यानी कि एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें बनाने के लिए, उसका अपना बजट
कितनी हमने सेल्स करनी है, कितनी हमने कास्ट लगानी है, हमें प्रॉफिट कितना होगा उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, सेल्स एनालिसिस कि इस साल हमने कितनी सेल्स की, अगले साल अगर हम प्रॉफिट को दुगना करना चाहते हैं तो कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, अगर एक प्रोडक्ट से इतना प्रॉफिट हो रहा है तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स कितनी क्वांटिटी में सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट, जिस तरह ब्रेक इवन एनालिसिस में हम पढ़ते थे। तो ये चीज़ें सारी की सारी आप कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं। फिनेंशियल फोरकास्टिंग ये पहले बात कर चुके हैं। मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ डेटाबेस के एम्प्लॉयज़ की जो तनख्वाहें, उनकी हाजिरी अटेंडेंस, उनके एबसेंस, उनके बोनसेस, ये सारी कैलकुलेशन। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक, जैसे पहले बात की कि जितना आपके पास रॉ मटेरियल है उसकी सारी की सारी कैलकुलेशन, फोरसीइंग, ये सारे के सारे आजकल सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो कि सारे आपको अपडेट कर रहे होते हैं साथ में। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में अगर जाएँ तो आप किसी भी बैंक में जाएँ, आप ATM का यूज़ है, आप अपने मोबाइल पे आपके पास बैंकिंग की एप्लीकेशन है, आपके पास इजी पैसा, जैज कैश, हर एक के पास, किसी का कोई बैंक अकाउंट नहीं तो वो मेंटेन कर सकता है अपने सेलफोन के ज़रिए, अपने अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। टुडे बैंकिंग इज़ ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर, तो बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें कंप्यूटर पे डिपेंडेंसी टोटल शिफ्ट हो चुकी है। कस्टमर अगर पहले जाएँ तो बैंक में एक लाइन लगी होती थी, दो दो किलोमीटर लाइन लगी हमने देखी थी, तो इतनी लाइनों की अब ज़रूरत नहीं है, हर एक के पास अपना बैंक के साथ कनेक्शन है तो वो अपने अकाउंट को मेंटेन कर रहा होता है। और इवन के अब तो ATMs की फॉर्म में ऐसी मशीनें आ चुकी हैं कि आप हार्ड कैश उनके पास जाके एंटर करें, जिस तरीके से ATM से पैसे निकलते हैं उसमें आप इंसर्ट करें, वो ले लेगा और आपकी ट्रांजेक्शन और आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देगा उतनी अमाउंट से। ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी विच इंक्लूड्स चेकिंग करंट बैलेंसेस, मेकिंग डिपॉजिट्स, ओवरड्राफ्ट, चेकिंग इंटरेस्ट चार्जेस, शेयर्स एंड ट्रस्ट रिकॉर्ड, तो ये ट्रस्टी रिकॉर्ड वगैरह, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए बैंकिंग जो आपको ऐप में, एप्लीकेशन में, कंप्यूटर के बेसिस पे आपको सहूलियात दे रही है। तो ये किस वजह से मुमकिन हुआ है, कंप्यूटर के मुख्तलिफ फॉर्म्स के। ATM मशीन विच आर कम्प्लीटली ऑटोमेटेड आर मेकिंग इट इवन ईजियर फॉर कस्टमर टू डील विद बैंक्स, तो जो अभी हमने पहले बात की कि अब लाइनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ATMs यूज़ होते हैं। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस में भी सारी की सारी, आप कितने कस्टमर हैं इंश्योरेंस कंपनी को पता होता है, हमारी कितनी इस वक्त इंश्योरेंसेस चल रही हैं, फायर की कितनी है, मैरीन की कितनी है, जो लाइफ इंश्योरेंस है वो कितनी है, कौन सा एम्प्लाई उसके पास कितना डेटाबेस वो मेंटेन कर रहा है, और किसकी कितनी पॉलिसी की अमाउंट हो चुकी है, उस पर इंटरेस्ट कितना है, और उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी है, हमारी मंथली रेवेन्यूज़ कितने हैं, साल के कितने रेवेन्यूज़ हैं, और जो प्रेडिक्शन फ्यूचर के बारे में आप कर सकते हैं कि आपके कितने एवरेज मंथली एक्सपेंसेस वगैरह, तो ये सारी की सारी मैनेजमेंट शिफ्ट हो चुकी है इंश्योरेंस में भी। इंश्योरेंस कंपनीज आर कीपिंग ऑल रिकॉर्ड अप टू डेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंस हाउसेज एंड स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स आर वाइडली यूजिंग कंप्यूटर फॉर देयर कस्टमर्स एंड कंसर्न। तो इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो क्या क्या अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कंप्यूटर पे, प्रोसीजर टू कंटिन्यू विद पॉलिसीज, अगर शेयर करना है अपने कस्टमर के साथ तो प्रोसीजर शेयर कर सकते हैं कि अपनी उन्होंने वेबसाइट बनाई होगी जहाँ पे सारी गाइडलाइंस यूज़र के लिए लिखी होंगी, स्टार्टिंग डेट ऑफ दी पॉलिसीज कि कौन सी पॉलिसी किस डेट को शुरू हुई थी, कब ख़त्म हो जाएगी, नेक्स्ट ड्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ द पॉलिसी, किसी ने पॉलिसी ली हुई थी तो उसकी नेक्स्ट अमाउंट ड्यू कब उसको पे करनी है या उसे कब रिसीव करनी है, इसके अलावा मैच्योरिटी डेट कब किस महीने में कितनी जो है इंश्योरेंस वो मैच्योर हो रही है और इंश्योरेंस कंपनी को कितने पैसे पे करने होंगे, तो वो ये फोरकास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट ड्यू कितना हो चुका है, सर्वाइवल बेनिफिट्स हैं और बोनस वगैरह एम्प्लॉयज़ के लिए कितने देने हैं, ये इंश्योरेंस कंपनीज़ कर रही होती हैं। इसके अलावा एजुकेशन पे बात करें तो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन की एग्जांपल यहीं से जो मैंने पहले शुरू किया था कि मैं यहाँ पे आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ और आपके पास जब टाइम हो आप फ्लेक्सिबल टाइम में जो है वेबसाइट को एक्सेस करके तो सुन सकते हैं, लेक्चर ले सकते हैं, उसको रिपीट कर सकते हैं। अब एक क्लास में जब पहले होते थे तो एक टीचर पढ़ा रहा होता था तो सेम उसी रिदम के साथ टीचर वो चीज़ नहीं बता सकता था, अगर कोई चीज़ समझ आपकी तवज्जो थोड़ी सी इधर हुई तो अगली बात समझ ही नहीं आती थी कि टीचर ने दरमियान में क्या कहा और क्या गुजर गई। अब यहाँ पे कितना बेनिफिट होता है कि आप एक दफ़ा आप थके हुए हैं, आप लेक्चर लेने के मूड में नहीं है, आप सुनना भी चाहते हैं तो कुछ बातें आपको समझ नहीं आती तो आप रिपीट कर सकते हैं, ब्रेक उसको कर सकते हैं, आप दरमियान में पानी बैठ के
पी सकते हैं। कोई अर्जेंट काम आ जाए तो आप फ़ौरन जा सकते हैं, दोबारा उसी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कितना फ्लेक्सिबल काम हो गया एजुकेशन में। और पहले आप जाते थे किसी क्लास में या किसी एकेडमी वगैरह में तो आपको मतलब लॉट ऑफ जो मनी आपका जाता था, आपको 20,000 20,000 30,000 इवन के एक जॉब के लिए तैयारी के लिए पे करना पड़ता। अब क्या है, नॉमिनल चार्जेस हैं, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, सेम अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते। बात क्या है कि सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी जुस्तजू की है, जो करना चाहता है उसके लिए कितना आसान हो चुका है। और आसान किस वजह से हुआ, कंप्यूटर के यूज़ की वजह से हुआ है। द कंप्यूटर हेल्प्स प्रोवाइडिंग ए लॉट ऑफ फैसिलिटीज इन एजुकेशन सिस्टम। द कंप्यूटर प्रोवाइड्स अ टूल इन द एजुकेशन सिस्टम नोन एज CBE, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। तो ये हम जो कर रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन ही है। CBE इन्वॉल्व कंट्रोल डिलीवरी एंड एवेल्युएशन ऑफ लर्निंग। तो अब लर्निंग आपकी एवेल्युएशन जो टेस्ट वगैरह आप क्विजेज करते हैं, आप खुद को खुद ही एवेल्युएट कर रहे होते हैं। कंप्यूटर एजुकेशन इज रैपिडली इंक्रीजिंग द ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर पर रिलाई कर रहे हैं उसकी नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देर आर ए नंबर ऑफ मेथड्स इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन यूज़ ए कंप्यूटर टू एजुकेट द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को भी लेक्चर्स वगैरह देने के लिए कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर ए डेटाबेस अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड एनालिसिस इज़ कैरड आउट ऑन द बेसिस ऑफ ऑन दिस बेसिस। जो आपके कंप्यूटर की बेसिस पे ही आप उसको देख लेते हैं कि आपकी कितनी जो है क्लासेस हो चुकी हैं, उसमें कितनी किसने अटेंड की हुई हैं, और उसमें से कितनी क्विजेज अवेलेबल थी, और उसने उसमें कितनी अटेम्प्ट की हैं, अब उसका स्किल लेवल कहाँ तक पहुँच चुका है, कंप्यूटर उसका ऑटोमेटिकली ग्राफ पे शो कर रहा होता है। इसके अलावा मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में भी हर जगह पे कंप्यूटर आ चुका है। इन मार्केटिंग यूजेज ऑफ द कंप्यूटर इज फॉलोज। ठीक है जी, एडवर्टाइजमेंट जितनी हो रही है कंप्यूटर्स पे हो रही है। आप सोशल मीडिया पे देख लें, आप यूट्यूब पे देख लें, आप जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स हैं उन पे देख लें, तो हर जगह पे वेबसाइट पे किसी को खोलते हैं तो ऊपर एडवर्टाइजमेंट का एक जो है वो बम्बास्टिक किस्म की आ जाती है। तो ये सारी की सारी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का जो पहले मामला होता था, ब्रोशर वगैरह देते होते थे, उससे निकल के अब मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस्ड सिस्टम आ चुके हैं। होम शॉपिंग, घर में बैठे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपके पास वो चीज़ आ जाती है। तो मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में विद कंप्यूटर एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल क्रिएट आर्ट एंड ग्राफ, राइट एंड रिवाइज कॉपी एंड प्रिंट दी डिसमिनेट एड्स विद गोल ऑफ सेलिंग मोर प्रोडक्ट्स। इसके अलावा होम शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, होम शॉपिंग हैज़ बिन मेड पॉसिबल थ्रू द यूज़ ऑफ कंप्यूटराइज्ड कैटलॉग्स एंड प्रोवाइड एक्सेस टू द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड परमिट डायरेक्ट एंट्री ऑफ ऑर्डर टू बी फिल्ड बाय द कस्टमर। तो आपके पास जो चीज़ जिस साइज़ में आपको चाहिए, अगर आपने कभी दराज ऑनलाइन से आपने परचेज़ किया हो तो आप अपनी मर्ज़ी की साइज़ भी देते हैं, डेस्टिनेशन भी देते हैं और प्रायोरिटी भी बताते हैं। तो ये सारी की सारी आपके जो है यूज़र पे डिपेंड करती है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपकी डिलीवरी आपके घर बैठे आ जाएगी। तो ये सारे का सारा भी कंप्यूटर पे शिफ्ट हो चुका है। इसके अलावा जो हमारे मुख्तलिफ जो व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह एप्लीकेशन में जो बाकी जो हमारे टॉपिक्स रहते हैं, तकरीबन आधा हमने कवर किया यूज़ ऑफ कंप्यूटर का या एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का, तो नेक्स्ट पार्ट में बाकी इसको कवर करेंगे, आगे चलेंगे, उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।